हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और अनसेन अनदेखा में यहाँ पर आज शहनाज फ्लिप के बारे में बात करते हुए नज़र आती है। और यहाँ पर शहनाज कहती है कि गाइस मैंने आज से इम्तिहान ले लिया है कि मैं अब फ्लिप नहीं मारूंगी। और वह दो पेज फाड़ कर और वह पेज को फोल्ड करके अपने कान के पीछे लगाती है और वह कहती है कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो जो घोड़े के जो तीर होते हैं वो लगा रही हूँ। और यह सुनकर रश्मि कहती है कि कुछ होगा नहीं उससे, तो कुछ भी कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तभी शहनाज कहती है कि ताकि मैं सिद्धार्थ के अलावा और किसी को देख ना पाऊँ। फिर रश्मि कहती है कि अब तो सब ख़त्म होने आया, अब क्या फ़ायदा ये सब करके, पहले तुझे करना चाहिए था ये सब। तो शहनाज कहती है कि आइडिया आज आया तो आज कर रही हूँ। और तभी पारस कहता है कि अभी तो तू क्विल्ट में ही रहना, वहीं रहना तू। और तभी शहनाज कहती है कि अभी तो 3 हफ्ते हैं ना, 3 हफ्ते में कहते हैं ना सुधर सकते हैं। तभी रश्मि कहती है कि 3 हफ्ता, 2 हफ्ते बचे हैं अब तो। फिर शहनाज कहती है कि जितना भी टाइम बचा है अब मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन सिद्धार्थ पे ही रखना चाहती हूँ। तो पारस कहता है कि ठीक है, कोशिश करके देख ले। तभी शहनाज कहती है कि हाँ, ये है मेरे घोड़े के फोकस। फिर शहनाज घोड़े की तरह तगड़ 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 बोलने लगती है। तभी पारस बोलता है कि मतलब कि तुझे ये लगता है कि तेरा फोकस हिल जाता है सिद्धार्थ से, तभी तो तू ये कर रही है, वरना नहीं करती ऐसा। फिर शहनाज कहती है कि फ्लिप कहते हैं ना सबके, फ्लिप कर देती हूँ। तभी पारस कहता है कि वो तो तू मान रही है ना, मतलब लोग कहते हैं उन्हें कहने दे, तू मान रही है कि फ्लिप तू करती है, मतलब कि तू करती है। फिर शहनाज कहती है कि मैं अब फ्लिप में स्लिप नहीं होना चाहती। तो फिर पारस कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बता पहले। फिर पारस कहता है कि तू मान रही है इसीलिए है, तू नहीं मानेगी तो थोड़ी ना है। फिर शहनाज पारस से कहती है कि तू ना अपनी बकवास बंद कर, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, तू रोक के दिखा मुझे, तू बकवास मत कर। फिर पारस कहता है कि बकवास क्या बोल रही है तू, बकवास भी लिमिट में किया जाता है, मैं बकवास कर रहा हूँ। और तभी शहनाज कहती है कि तेरा ना मैं मुंह तोड़ के ना तुझे पन्ने पे लगा दूंगी। फिर पारस कहता है कि अब तो तू यही कर, तू यही करके दिखा दे, मैं देखता हूँ कि तू कर पाती है या नहीं। फिर शहनाज बोलती है कि सिद्धार्थ से बोल दियो कि तेरे पे इसने फोकस कर लिया। तभी पारस गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं क्यों बोलूँगा, तेरा क्या कबूतर बैठा है, चिट्ठी हूँ तेरा। फिर पारस कहता है कि सिद्धार्थ से जब झगड़ा होगा तो दोस्त बना देगी, ऐसा ऐसा बोलने लगता है। फिर शहनाज कहती है कि तो चुप हो जा, तेरा ना लाइट नहीं मिल रहा, तेरा ना फोकस नहीं है। और तभी आरती देखने लगती है और वो पारस कहता है कि इसने ना चिट्ठी बना रखा है हमें कि झगड़ा हो तो पारस से बोल दे, प्यार हो तो पारस से बोल दे, मैं ही पारस के पास ना चला जाऊँ। फिर शहनाज कहती है कि 7 खून माफ़। तभी पारस कहता है तो एक ही कर ले सिद्धार्थ का। तो गाइस अनसेन अनदेखा का ये सीन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।